अगर आपका वोटर कार्ड चोरी हो गया, फट गया, गुम हो गया या फिर कहीं पर रखा गया है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है और आपके वोटर कार्ड का नंबर का आपका अर्जेंट जरूरी है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं कि आपका वोटर कार्ड का क्या नंबर है, यानी आप जान सकते हैं। इसके लिए क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पर आप सर्च बार में आपको टाइप करना है NBSP, ये टाइप करके सर्च करना है। जैसे देखें मैंने यहाँ पर टाइप किया NBSP और नीचे देखें स्लाइड करेंगे तो NBSP करके एक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा, आपको क्या करना है, इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें मेरा यहाँ पर लॉगिन है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग आउट हो जाता हूँ, तब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट हो गया हूँ, जैसे आप NBSP में जब ओपन करेंगे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, तो इसमें आपको अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप इसमें अकाउंट बना लें। लॉगिन करना बहुत आसान है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वो भी करके बताऊंगा किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखें मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, पासवर्ड सब कुछ डाल लेते हैं, उसके बाद सेंड OTP क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल लेते हैं, देखें मोबाइल नंबर और यहाँ पर नीचे पासवर्ड, ये दोनों मैंने डाल दिया। और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको नीचे यहाँ पर डाल देना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। और जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर इस पे है लिंक है उसमें क्या होगा, एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उसमें एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखें बहुत सा ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ से नया वोटर कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप अपना वोटर कार्ड का नंबर कैसे पता करें। तो यहाँ देखें सर्च इन इलेक्टर रोल है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। यहाँ पर देखें इस तरह से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना इलेक्टर रोल में सर्च करने के लिए यहाँ पर आप डिटेल के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। तो डिटेल यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सर्च बाई डिटेल, तो डिटेल में यहाँ पर देखें स्टेट यानी राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेटिव का फर्स्ट नेम, रिलेटिव का लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद जेंडर, नीचे यहाँ पे लोकेशन डिटेल यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको सर्च करना है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और देखिए एक ऑप्शन और है यहाँ पे सर्च बाय EPIC, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है सर्च बाय EPIC, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना डिटेल जान सकते हैं। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखें यहाँ पर डिटेल वोटर कार्ड नंबर, स्टेट और सर्च। तो मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, नंबर भी नहीं पता है, तो आप मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करना है। ऊपर देखें सर्च बाय मोबाइल नंबर लास्ट पे है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले स्टेट से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब लैंग्वेज यहाँ पर क्लिक करके लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखें मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है। कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा तो इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल लेते हैं। कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद अब नीचे देखें यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल लेता हूँ और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही सेंड OTP क्लिक करते हैं और अगर आपका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को क्या करना है, कॉपी करना है या फिर OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। और OTP डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। और जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने यानी आपके मोबाइल नंबर से जितने भी वोटर कार्ड में लिस्टेड है, मतलब आप जितने भी आपको वोटर कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरे नंबर पे 3 वोटर कार्ड लिंक है तो तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब यहीं पर देखें सेकेंड में देखें EPIC नंबर, ये रहा आपका वोटर कार्ड का नंबर। यहाँ पर नाम भी दिखाई देगा, एज भी दिखाई देगा। अगर डिटेल देखना है तो लास्ट में देखें व्यू डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप डिटेल भी देख सकते हैं। डिटेल में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखें डिटेल में यहाँ पे बहुत से यहाँ देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, रिलेटिव नेम, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, जेंडर, लिंक, सब कुछ दिखाई देगा। और इसे प्रिंट करने के लिए नीचे देखें प्रिंट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही प्रिंट वाले पर क्लिक करेंगे आपका PDF में आपका वोटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले नाम देखें, और एक चीज़ में देखें एक चीज़ और है यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोलिंग डेट, अगर हाल में अगर इलेक्शन है तो उसका डेट भी जान सकते हैं, लास्ट में दिखाई देगा यहाँ पे। और यहीं पे आपको वोटर कार्ड का नंबर भी दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर डाल के आप अपना वोटर कार्ड का नंबर पता कर सकते हैं।